क्या कुछ हुआ, क्या क्या व्यवस्था थी कैंप में? आज मेगा हेल्थ कैंप जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा दिवस जो मनाया जा रहा है उसी उपलक्ष्य में है, और करीबन 1500 से 2000 लोग अभी तक हेल्थ कैंप का इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी आकर के इसका उद्घाटन किए, सभी जगह जा कर के उन्होंने चेक भी किया और अपनी शुभकामनाएं भी दी। श्रमदान का भी कार्यक्रम हुआ है, तो ऐसे सेवा दिवस ऐसे मनाया जा रहा है। संजय जी, किस किस तरह की जो है इक्विपमेंट उपलब्ध कराई गई है? इसमें कई तरह के हैं, कैंसर का भी है, HIV का भी है, आपके हेल्थ चेकअप के ECG का भी है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, हर तरह के डॉक्टर्स है, जनरल प्रैक्टिशनर भी है। संजय जी, कैंप से हटके एक सवाल है, एक आपका जो योजना है जिम लगाने का, वो काफ़ी सक्सेस भी हुआ, बहुत बहुत लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन उसका रख रखाव की वजह से बहुत जगह वो टूटता नजर आ रहा, गिरता जा रहा, फेज वन में कल भी गिरा था, आज भी एक जिम गिर गया। दिल्ली में जिस तरह की आबादी है और रख रखाव को लेकर के जैसे जनता को समर्पित हमने किया, तो हमारी यही अपील है जनता को कि उसके रख रखाव को लेकर के चिंताएं साथ में मिलकर हो सकती है, प्रशासन भी करेगा और समाज भी करेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। केवल प्रशासन के भरोसे अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो ये रख रखाव कभी नहीं होगा, क्योंकि तो जनता के बीच में वो जिम लगा हुआ है। उसमें बीच बीच में कोई नंबर भी दिया गया, बताते हैं कि उसको कॉल कोई रिसीव नहीं करता, ठीक करने नहीं आता। MCD वालों को हमने इसके लिए जानकारी दी है कि तो उनके ही रख रखाव के अंदर आता है, कि आप 15-20 दिन में इसको एक बार चेक भी कर लिया करें। ठीक है सर, आज किस तरह का कैंप लगाया गया था, कहाँ कहाँ के लोग आए थे, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध किया? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ये सेवा सप्ताह पूरे राष्ट्र के अंदर चल रहा है, तो हमारे पूर्वी लोकसभा के आदरणीय सांसद महेश जी ने एक सेवा सप्ताह की शुरुआत आज मेगा हेल्थ चेकअप कैंप से की, जो कि अपने विश्वास नगर जहाँ सामुदायिक भवन में लगाया गया, और करीब यहाँ 20 क्लस्टर से हमारी जो सेवा बस्ती है इस आसपास की, वहाँ से लोग आए, हमने करीब 1500 रजिस्ट्रेशन पीछे कल कराए थे, लोगों की जाकर वहाँ से पेशेंट आए हुए हैं, साथ में हमने यहाँ ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनके रजिस्ट्रेशन करने, आप जैसा देख रहे हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ, आदरणीय हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने इसका आज उद्घाटन किया, सुबह समय पर आकर उन्होंने बाद में अपने द्वारा श्रमदान भी किया, तो ये एक व्यवस्था आदरणीय सांसद जी ने यहाँ सभी लोगों के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए, जो लोग स्वास्थ्य चेक नहीं करा पाते किसी कारण से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कान का चेकअप है, आँख का चेकअप है, यहाँ पे HIV टेस्ट फ्री है, यहाँ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से चेकअप है, यहाँ DMA दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर आए हुए, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स आए हुए, मैक्स हॉस्पिटल के हैं और आपके मेट्रो हॉस्पिटल्स के, और हमारे EDMC स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ आए हुए, करीब 80 के आसपास डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अभी लोगों का चेकअप कर रही है, बहुत अच्छा ये कैंप रहा है, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसी बीमारियाँ जिनमें लोगों के हज़ारों रुपये टेस्ट में खर्च हो जाते हैं, हमारे सांसद महोदय ने वो बढ़िया डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो पूरी दिल्ली के अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ एक हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया, ये कार्यक्रम चालू हुआ था उन्होंने 17 तारीख से लेकर। संजय जी, यहाँ पर कुछ MCD की तरफ से भी टीम थी, MCD की तरफ से क्या कुछ सुविधा दी गई थी यहाँ? MCD की तरफ से जैसे मैंने बताया स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की टीम डॉक्टर्स की भी आई हुई है, यहाँ डेंगू अवेयरनेस का कार्यक्रम, चिकनगुनिया अवेयरनेस का कार्यक्रम, कैसे हम उससे बच सकते हैं वो अवेयरनेस का कार्यक्रम भी यहाँ पर EDMC की तरफ से रखा गया है, तो ये व्यवस्थाएँ हैं, मेनली दो व्यवस्थाएँ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल और ये डेंगू अवेयरनेस और चिकनगुनिया और मलेरिया अवेयरनेस, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बीमारियाँ नहीं होंगी तो आप ऑटोमेटिक अवेयरनेस होगी तो बीमारियाँ भी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो प्रॉफिट भी कम खर्च होगा, हल्की नहीं होगी। मैम, इस तरह का कैंप से जो है लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है? मैं निगम पार्षद बबीता खन्ना प्रीफियर वार्ड से हूँ। आज यहाँ पर हमने समुदाय भवन में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, सांसद महेश गिरी जी के साथ देने में उनकी सपोर्ट से, उनके अंडर हमने ये वाला सारा आयोजन किया है। आज नड्डा जी भी आए थे यहाँ पर, और मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, और काफ़ी मात्रा में 1500 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गए थे, काफ़ी लोगों ने इसमें फ़ायदा उठाया। इस कैंप से हमें यही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि देखिए घर में बैठे बैठे लोग इतना इनका लाभ नहीं उठा पाते, हॉस्पिटल जाएंगे, इतना पैसा देंगे, ये सारे टेस्ट कराने हैं, बड़े महंगे महंगे टेस्ट हैं यहाँ पर जो आज फ्री में दिए गए हैं,
तो लोग आलस कर जाते हैं और बीमारी को धीरे 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 अंदर अंदर पालते रहते हैं और वो बीमारी एक दिन विकराल रूप धारण कर लेती है और तब उसका इलाज करा पाना असंभव होता है। तो इस तरह के मेडिकल कैंप लगातार लगते रहे, जैसे हमारे सांसद महेश गिरी जी ने आज किया है, इस तरह से जगह जगह लगते हुए लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। कई लोग, गरीब लोग बहुत दुआएं दे के गए हैं, बहुत खुश थे और बहुत लाभ उठाया है लोगों ने। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, चेयरमैन प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर हॉस्पिटल, यहाँ कैंप लगाने का मकसद ये था कि हम एक उन लोगों के पास पहुँचे, गरीब लोगों के पास, जो आमतौर पर इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें स्किन की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, स्किन की, क्योंकि वो अपनी साफ सफाई का, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उसमें स्किन की बीमारियाँ इनको ज़्यादा होती हैं। और बहुत से लोग उनमें से तम्बाकू, सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू में खाने से उनको मंदबुद्धि और याददाश्त भी कम हो जाती है, फेफड़े, मुँह के छाले, मुँह में तकलीफ होना, और जो सिगरेट पीते हैं उससे तम्बाकू खाने से रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उसकी वजह से कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को इतनी सिगरेट, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनका पोषक आहार इनको इतना नहीं मिल पाता, बहुत से लोग इनको फेफड़े की बीमारी और टीबी से भी यहाँ ग्रस्त देखे गए। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा से संपन्न है, उनको ब्लड प्रेशर भी अब इस तरह के लोगों में देखा गया है, डायबिटीज़ भी कुछ इस वर्ग में बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनमें संपन्नता भी है, खाने जंक फूड ये भी खाते हैं, शारीरिक क्षमता की कमी इनमें भी है। तो हमारे आज के जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य के देश में, जीवन शैली रोग जिसमें शारीरिक क्षमता की कमी, 62% भारतीय शारीरिक क्षम नहीं करते। एक नॉर्मल आदमी को 10,000 कदम रोज चलने चाहिए, मैं नहीं समझता कि 50% भारत के लोग भी 5,000 कदम भी चल पाते हैं। और दूसरा आहार, नियमित आहार हम नहीं खा पाते, क्योंकि जैसा मैंने लिखा है अपनी कविता में भी कहा है, दुनिया में भांति भांति के लोग करें अनेक प्रकार के भोग, उन्हें लगे नाना प्रकार के रोग, और योग और साधना भगाए सारे। समस्या इस बार ये कि हम शारीरिक श्रम करें और अपने आहार में संतुलित आहार में जंक फूड न खाएं, कम से कम 4 सब्जियां और 2 फल रोजाना आहार में लें, नमक का सेवन कम करें। एक भारतीय, नाम आम भारतीय 17 ग्राम नमक खाता है और हमको चाहिए 5 ग्राम का बना। आप किसी के घर में जाइए कभी देखिए, बीकानेर की जरूर मिलेगी समोसा, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का दुश्मन हमारा समोसा है, क्योंकि उसको बार बार हम तेल में उबालते हैं, गर्म करते हैं तेल को, उसमें डालते हैं समोसे को, ये ट्रांस फैटी एसिड बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। इसलिए सारे कैंप का मतलब लगाने का है, जिन लोगों की बीमारी है उसको वो नियंत्रण में रखें, और जिन लोगों को नई बीमारी पता लगा है उसको वो काबू रखें। क्योंकि याद रहे, सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो, सांस धारणे की कौन सी नीत होनी चाहिए, और 5 से खिलौनों में ये छोड़ू जिंदगानी सावधानी से बढ़ा।